और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। कल से 3 दिनी बस्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गोंडाकाव जगदलपुर दंतेवाड़ा में करेंगे बैठक, बूथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। 3 दिनी छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शाम रायपुर पहुंचेंगी। कुमारी शैलजा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मंथन। महेंद्रगढ़ में बीजेपी नेता दुर्गाशंकर मिश्रा की गिरफ्तारी का विरोध, बीजेपी ने जनकपुर में किया प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक के दबाव में कार्रवाई का लगाया आरोप। दरियाबंद में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान, मोदी सरकार के 9 साल पर कार्यक्रम का आयोजन, 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए 30 जून को रायपुर आएंगे जेपी नड्डा, पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान को देंगे धार, बिलासपुर में करेंगे जनसभा। कवर्धा में बीजेपी का अनोखा विरोध प्रदर्शन, नदी में कागज की नाव चलाकर जताया विरोध, नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाया भ्रष्टाचार का। मुंगेली कलेक्टर ने आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ की चर्चा, कहा 13 जून को होगी ईवीएम की फर्स्ट लेवल जांच, दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। बीजेपी नेताओं के बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का तंज, बोले चुनाव आते ही बीजेपी की सियासत और दौरे हुए एक्टिव, कर्नाटक जैसा होगा हश। बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग पर मुख्यमंत्री बघेल का तंज, कहा जो भी लोग बीजेपी में गए वो किसी पार्टी में थे, नुकसान हमें नहीं बल्कि बीजेपी को चुनाव में होगा। जगदलपुर के नगरनार प्लांट में भू विस्थापितों को जल्द मिलेगी नौकरी, जगदलपुर पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक का बड़ा बयान, कहा कोर्ट पर उनको भरोसा। तरी से गिरफ्तार हुआ आयकर विभाग का कर्मचारी आरोपी हर्षद साहू पर 37 लाख रुपए के गबन का आरोप, फर्जी चेक के जरिए रिश्तेदारों के खाते में जमा कराता था पैसा। कामदारी के रुद्री पॉलिटेक्निक कॉलेज में भरेगा स्ट्रांग रूम, राज्य चुनाव आयोग ने लिया फैसला, कलेक्टर और एसपी ने कॉलेज का किया मुआयना। अंबिकापुर में 8 साल की बच्ची पर कुत्ते का हमला, पागल कुत्ते के हमले में बच्ची जख्मी, इलाज के लिए बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। अंबिकापुर में तबियत बिगड़ने से कैदी की मौत, सेंट्रल जेल में अचानक से बिगड़ी तबियत, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।